बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंपलीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस हम हैं चैप्टर टू पे सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आज हम देखेंगे द सेकंड मेथड जो कि एक तरह का ओपन मैथड है फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मैथड की तरह और न्यूटन रेफसन मैथड की तरह ये तीनों मैथड्स आते हैं ओपन मैथड्स की कैटेगरी में इससे पहले जो हम ब्रैकेटिंग मैथड की कैटेगरी देख चुके हैं उसमें बाई सेक्शन मैथड है और रेगुलर फॉल्सी मैथड है क्वेश्चन एक्सप्लेन द ऑफ ऑफ फाइंडिंग अ अ रूट नॉन लीनियर इक्वेशन यूजिंग द ग्राफिकल अप्रोच टू सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो द फंक्शन एफ इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस एंड टू पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एंड एक्स इक्वल टू एक्स वन आर चूजन फ्रॉम द डोमेन ऑफ एफ according to the secant method it is assumed that the values of the function change linearly between f of x0 and f one thus an approximation x2 to the 0 alpha of f of x is the point where the secant line joining the two points x0 f0 or x1 f1 intersects the x-axis this is shown in figure 2.20 यानी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि एक पॉइंट एक्स नॉट है उस पर एफ की वैल्यू इतनी है दूसरा एक पॉइंट है उस पर एफ की वैल्यू इतनी है वो लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करेगी इन दोनों को वो जहां टच करेगी एक्स एक्सिस को वो पॉइंट कहलाएगा नेक्स्ट रूट यहां पर यह कोई शर्त नहीं है कि एफ एक ओफ एक्स नॉट और एफ एक ऑफ एक्स वन इन दोनों के साइंस क्या हैं अपोजिट हैं या नहीं हैं जैसा कि रेगुलर फार्सी मैथड या बाई सेक्शन मैथड में शर्त थी अब वो लाइन जो कि ज्वाइन करती है इन दोनों पॉइंट्स को उसी इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं ये हम पहले रेगुलर फॉल्सी मेथड में देख चुके हैं द इक्वेशन ऑफ सीकेंड लाइन वाई इक्वल बाय यानी इन दोनों पॉइंट्स में से पास करने वाली सीकेंड लाइन उसी इक्वेशन कैसे आएगी अगर वो वाई इक्वल टू वाई एक्स लाइन है तो उसकी ये उसकी इक्वेशन बन जाएगी टू पॉइंट फॉर्म से अगर हम फर्ज कर लें कि x इज इक्वल टू एक्स टू इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट है तो उस पॉइंट पे वाई जीरो हो जाएगा तो हमने एक्स को पुट कर दिया एक्स टू और वाई पुट कर दिया जीरो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस दिस एक्सप्रेशन इफ एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू जीरो विच इज रेयर देन एक्स टू इज द डिजायर्ड रूट अदरवाइज द प्रोसेस इज रिपीटेड यूजिंग द टू रिसेंट पॉइंट्स एक्स वन एक्स टू टू फाइंड एक्स थ्री इन सिमिलर फैशन यानी हमने स्टार्ट लिया x0 x1 से और x2 मालूम कर लिया अब अगर x2 पे f की वैल्यू जीरो होती है जो कि बहुत ही रेयर चांस है तो x2 ही रूट हो जाएगा अदरवाइज हमें एक नया बेटर अप्रोक्सीमेट रूट मालूम करना है अब की बार हमने x2 और x1 को यूज करना है जो लेटेस्ट वैल्यूज हैं इन जनरल फार्मूला हम ये यूज करेंगे कि एक्स के, के उससे पिछली वैल्यू एक्स के माइनस वन और उससे पिछली वैल्यू एक्स के माइनस टू इन्वॉल्व करेगा इस फार्मूले से

इसके बाद हमने एफ की वैल्यू एक्स नॉट पे और एफ की वैल्यू एक्स वन पे इसमें जो लाइन पास करती है वो जहां टच करती है एक्सिस को वो उसको हमने कहा वो हमारा बेटर अप्रोक्सीमेट टू द रूट हो गया अब हम एक्स टू और एक्स थ्री इन दोनों पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू उनमें से पास करने लाइन चूज करते हैं वो जगह टच करती है एक्स फोर पे उसको मैं नेक्स्ट रूट मान लिया तो इस तरह से हम सीक्वेंस बनाते हुए ल्फा के नजदीक चलेंगे काम कब स्टॉप करेंगे जब दो कंजेक्टिव आइट्रेशन की जो एरर है वो एक स्पेसिफाइड टॉलरेंस से छोटी हो जाएगी तो हम स्टॉप कर देंगे द एरर बिटवीन द अप्रोक्सीमेट रूट्स इज कम्प्यूटेड एज द एब रिलेटिव और परसेंटेज रिलेटिव एरर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और टाइप ऑफ द प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस यानी प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस जिस हवाले से गिवन है हम वो वाली एरर मालूम करेंगे चाहे वो एप्सलूट मालूम करनी हो रिलेटिव एरर मालूम करनी हो या परसेंटेज एरर मालूम करनी हो क्वेश्चन सेवनटीन derive the iterative formula of the secant method of finding a root of a non linear equation using the newton raphson method yani newton raphson formula se bhi hum nikal sakte hain secant method wo kaise ki ye hamara newton raphson method ka formula hai isme hum f prime ko dekhte hain by definition f prime kisi bhi point par wo iske equal hoga जो कि approximately limit हटा दें तो इसके equal average value के equal बनता है Instantaneous rate of change से average rate of change हमने as ए अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो लिहाजा हम एफ प्राइम एक्स के माइनस वन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसको मान लेते हैं फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स के माइनस टू क्लोज टू एक्स के माइनस वन एफ प्राइम की वैल्यू इतनी आ जाएगी यानी एक पॉइंट एक्स के माइनस टू हो जो भी हो अगर हम वो यूज करें एक्स की जगह पे तो ये एक्सप्रेशन डिवेलप होगा वी पुट दिस वैल्यू इन द न्यूटन रेफन मैथड ये हमने पुट की इसमें सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन डिवेलप हो गया फाइंड अ रियल रूट ऑफ दिस यूजिंग और एक्स टू और एक्स थ्री को एस एक्स नॉट एक्स वन ले इस फॉर्मल में यूज किया हमने फर्स्ट एन में टू रखकर तो एक्स इतना आ गया एफ की वैल्यू एक्स पे इतनी है रेलटिव एरर फाइंड की तो टॉलरेंस से ज्यादा है एक्स टू और एक्स वन की रेलटिव एरर आगे चलते हैं के को थ्री पुट किया हमारी सेकेंड आइट्रेशन है एक्स थ्री इतना आ गया रिलेटिव एरर मालूम की एक्स टू और एक्स थ्री की वो इस बार इतनी आई है थर्ड आइट्रेशन पे आ जाए के को फोर पुट करें एक्स फोर मालूम किया हमने एफ ऑफ एक्स फोर रिलेटिव एरर मालूम करें एक्स फोर एक्स थ्री की तो वो इतनी आ जाती है अब ये एरर गिर रही है और पांचवी आइट्रेशन के बाद एरर लेस देन हो चुकी है गिवन टॉलरेंस से लिहाजा हम मजीद आइट्रेशन परफॉर्म नहीं करेंगे और जो हमारा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट कितनी है एक्स सिक्स जो इस आइट्रेशन में हमने उसे मालूम किया है कंप्यूटर रिजल्ट जनरेट करते हैं तो ये इस तरह से टेबल क्रिएट होता है हम दो वैल्यू से स्टार्ट करेंगे ये एक्स नॉट है यह एक्स वन है एक्स टू मालूम हो गया उसके बाद एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री मालूम कर लिया ये एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर मालूम कर लिया क्रॉसपोन्डिंग एफ की वैल्यूज भी नोट करते जा रहे हैं या जीरो के करीब होती चली जा रही हैं एरर दो कंजेक्टिव एट्रेशन की गिरती चली जा रही है तो डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव करने के बाद स्टॉप कर देंगे ये क्वेश्चन मजीद है इसे परफॉर्म करें गिव अ जनरल कंपेरिजन ऑफ द फॉल्स पोजिशन मैथड एंड द सीकेंड मैथड दोजीशन मैथड इज्रेक्टिंग मैथड वेयर एज सीकेंड मैथड इज एन ओपन मैथड To keep the root bracketed, the false position method selects out the root bracketing interval out of the two subintervals obtained in each of the iterations. On the other hand, the secant method selects two most recent approximations out of the three available approximation in any iteration for proceeding to the next iteration. Consequently, the root may or may not lie between the two selected approximations. में ये करेंगे कि जो इंटरवल के हमने दो हिस्से बनाए हैं तो उनमें से वो हिस्सा चूज करेंगे जिसके अंदर रूट करता है। लेकिन मेथड में जो कंडीशन है है वो क्या है कि अगर आपने X1, X2 करके X3 कर लिया है, तो अगली आप यूज करेंगे इस्पेक्टिव के रूट लाइक करता या नहीं करता इवन इफ स्टार्टेड विदिशियल अप्रोक्सिमेशन बोस प्रोड्यूस डिफरेंट सक्सेसिमेशन ये दो डिफरेंट मेथड्स हैं दोनों के अप्रोच डिफरेंट है अगर से हम स्टार्टिंग दो दो पॉइंट्स सेम भी ले लें यानी जैसा कि अभी हमने देखा था कि दो पॉइंट चूज करते हैं अगर उनके दरमियान रूट लाई कर भी रहा है तब भी आगे चल के जो सीक्वेंस डेवेलप होगा वो दोनों मेथड से डिफरेंट हो सकता है दिस इज शोन इन फिगर टू ये नोट करें स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसे थे फंक्शन वही सेम है सॉल्व करते गए लेकिन एक्स फोर पे जाकर तीसरी आइट्रेशन का रिजल्ट मेथड में डिफरेंट आ चुका है जबकि यहां पे डिफरेंट चल वैल्यूज चल रही है। C1, C2, C3 हैं। सी वन सी टू सी थ्री डिफरेंट वैल्यूज हैं, जबकि यहां पे वैल्यूज मुख्तलिफ हो चुकी हैं। सी थ्री इसमें लेफ्ट साइड पर है सी एक्स फोर यानी थर्ड आइट्रेशन का रिजल्ट इसमें राइट right साइड पर है दिफाल्ट पोजिशन मैथड ऑलवेज कन्वर्जिस वेयर एज दीकेंड मैथड मे नॉट कन्वर्ज फॉर सर्टन सिचुएशन रेगुलर या method, ये दोनों हैं ग्लोबली कन्वर्जेंट जबकि ओपन मैथड लाइक न्यूट्रेन मैथड और ये येड ये लोकली कन्वर्जेंट हैं रूट के अराउंड एक खास हिस्से में से हम कोई अप्रोक्सीमेशन चूज करेंगे तो ये मैथड कन्वर्ज करेंगे अदरवाइज ये कन्वर्ज नहीं भी कर सकते इफ द सीकंड मैथड इज कन्वर्जेंट इट कन्वर्ज इज फास्टर देन द फॉल्स पोजिशन मैथड ट इज इट हैज अर कन्वर्जेंस रेट देन द फॉल्स पोजिशन मैथड लेकिन अगर ये सीकेंड मैथड कन्वर्स करेगा तो ये फॉल्स पोजिशन मैथड या बाई सेक्शन मैथड की नस्बत ज्यादा तेजी से कन्वर्ज करेगा थैंक यू वेरी मच असलैकम